नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिज्म के ऐसे टॉपिक को लेकर के जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और वो है ट्विन फ्लेम्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, और हमारी तो शादी हो चुकी है तो अब हमें अपना ट्विन फ्लेम कैसे मिलेगा, या हमारी तो पूरी उम्र ही निकल गई है, इस उम्र में अगर ट्विन फ्लेम मिल भी जाए तो हम करेंगे क्या, और अगर ट्विन फ्लेम हमें मिल जाता है तो उसे हैंडल कैसे करना है, उसके साथ गुजारा कैसे हो सकता है, वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के मन में ट्विन फ्लेम को लेकर के, और आज मैं बात उसी ट्विन फ्लेम की करने वाली हूँ कि ये होता क्या है, आपकी उम्र निकल गई है तो इसका मिलना सही है कि नहीं है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ट्विन फ्लेम का करेंगे क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह के वीडियोस, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो लीगल टॉपिक्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टीज हो, लॉयर से रिलेटेड हो या फिर स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड हो, सारे टॉपिक्स आपको इस चैनल पे मिलते हैं। और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्विन फ्लेम की है क्या। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझाती हूँ कि ट्विन फ्लेम होती क्या है। कुछ इस तरह से मान लिया जाए कि एक ही कांच का टुकड़ा है और गिर गया और उसके दो टुकड़े हो गए, या इससे भी बेहतर तरीके से माना जाए तो एक बोल में पानी पड़ा है और उसे हमने दो बोल्स में कर लिया, तो पानी की क्वालिटी जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि वही पानी है जो पहले एक बोल में था अब दो बोल्स में आ चुका है। या एक बड़ी सी फ्लेम को, फायर बॉल को हम आधा आधा कर लें तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, वो ट्विन फ्लेम होता है। ट्विन फ्लेम का मिलना सही है या गलत है, इसका जवाब है दोस्तों कि कोई भी चीज जो आप में ऑलरेडी क्वालिटीज हैं वो एनहेंस होंगी। जैसे एक छोटी सी आग की फ्लेम आप लेके आए और दूसरी लेके आए और जब दोनों को मिलाएं तो वो एक बड़ी आग बन जाएगी, वो एक बड़ी सी फायर बॉल बन जाएगी। अगर आप एक नदी को दूसरी नदी से मिलाएंगे तो वो महानदी बन जाएगी, वो सारी नदियां अगर मिलती हैं तो वो ओशन में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं, वो बड़ा समुद्र बन जाती हैं, सारे समुद्र मिलके महासागर बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जो ट्विन फ्लेम है, जब वो आपसे मिलती है तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटीज एनहेंस होती हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना वो भी एनहेंस होते हैं, क्योंकि जो आपके पास क्वालिटीज है एक तरह से आप मान के चलिए वो आपका ट्विन है, वो आपका जुड़वा है। मीन्स जो आपके पास अच्छी चीजें हैं एग्जैक्टली वही करीब करीब उसके पास भी हैं, और जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वही उसके भी हैं। तो यानी कि नेगेटिविटी भी एनहांस होके बड़ी हो जाएगी और पॉजिटिविटी भी एनहांस होके बड़ी हो जाएगी। आपको ख्याल रखना है कि आप किस चीज को बड़ा कर रहे हैं, किस चीज को बड़ा रूप दे रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली इज नॉट वेरी इजी टू हैंडल, बिकॉज सब कुछ आपसे मिलता है, पॉजिटिव मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नेगेटिव भी आपके जैसा ही है वहां पे मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को बढ़ाएं, नेगेटिव को बढ़ावा ना दें। तीसरी चीज दोस्तों, कि जो लोग पूछते हैं कि मेरी उम्र निकल गई है, अब ट्विन फ्लेम मिलेगी तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ या मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ या आई एम ऑलरेडी इनटू अ रिलेशनशिप, तो अब हमें ट्विन फ्लेम मिलेगा भी तो हम उसका क्या करें। तो दोस्तों, ये आप समझिए कि ट्विन फ्लेम इज नॉट जस्ट एज योर रोमांटिक पार्टनर, एज योर स्पाउस और योर लाइफ पार्टनर। ट्विन फ्लेम कुछ भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है, वो आपका सिबलिंग हो सकता है, वो आपका बहुत करीबी दोस्त हो सकता है, वो कोई अननोन पर्सन हो सकता है जिससे आपकी बाद में अच्छी पार्टनरशिप हो जाए, वो आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका बेटा, आपकी बेटी, कुछ भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि वो बिल्कुल आपके जैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका स्पाउस ही होगा या रोमांटिक पार्टनर ही होगा, बॉयफ्रेंड ही होगा या हस्बैंड ही होगा या वाइफ ही होगी या गर्लफ्रेंड ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्विन फ्लेम कैन बी एनीबडी,
योर बेस्ट फ्रेंड, योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, योर सिबलिंग, योर फ्रेंड, एनीबडी, बस ये है कि वो बिल्कुल आपके जैसा है, इसलिए आपकी उससे बहुत अच्छी जमती भी है। और जब लड़ाई होती है, जब नेगेटिविटी आती है, जब झगड़ा होता है, तो उस लेवल का होता है जो किसी और से हो ही नहीं सकता। तो इसे हैंडल कैसे करना है, आखिरी सवाल आज के वीडियो का, कि अगर हमें ट्विन फ्लेम मिल जाता है तो हम हैंडल कैसे करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जैसे दो आग के अगर फ्लेम्स मिलते हैं और वो बड़ा फायर वॉल क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो भी बहुत जबरदस्त लेवल पे आ जाएंगे और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी। तो आपको ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि जब वो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, वो वाले नेगेटिव पॉइंट्स जो आप में भी है, सपोज कीजिए कि आपको गुस्सा बहुत आता है और वो व्यक्ति जो है, सामने वाला जो आपका ट्विन फ्लेम है, वो उतना ही गुस्सा कर रहा है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपको गुस्सा आया हुआ होता तो आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते, आपको ठीक वैसा ही उसके साथ बिहेव करना है, आपको उससे झगड़ा नहीं करना, आपको गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना, इमीडिएटली आपको भी गुस्से में रिएक्ट नहीं करना। आपको जब जब खुद को गुस्सा आता है और जब हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमें खुद पे तरस आता है, हमें खुद से परेशानी होती है, हम खुद को कंसोल करना चाहते हैं, सिंपेथाइज करते हैं खुद के साथ, क्योंकि हम गुस्से के उस भयंकर फेस से निकल चुके होते हैं और उसको झेल रहे होते हैं। आपको यही बिहेवियर उस अपने ट्विन फ्लेम के साथ करना है। सपोज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और ये आप नेगेटिव पॉइंट मानते हैं, और ट्विन फ्लेम आपका उस वक्त अगर इमोशनली बिहेव कर रहा है, तो आपको उसके साथ ठीक वैसे ही बिहेव करना है जैसे आप खुद के साथ करते हैं। जब आप बहुत इमोशनल फील करते हैं, इमोशनली वीक फील करते हैं, तो आप खुद के साथ सिंपेथाइज करते हैं, यू वॉन्ट टू लव योर सेल्फ। सिमिलरली यू हैव टू बिहेव इन अ सिमिलर फैशन विद योर ट्विन फ्लेम, कि नेगेटिव पॉइंट्स में आप उनके साथ वैसे बिहेव करें जैसे आप खुद के साथ बिहेव करते हैं, और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स में उनको वैसे ही बिहेव करें जैसे आप खुद के साथ बिहेव करते हैं। यस, व्हेन यू डू समथिंग गुड, यू बक अप योर सेल्फ, यू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, यू मोटिवेट योर सेल्फ। सेम चीज़ आपको ट्विन फ्लेम के साथ करनी है, कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए आपको उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें कल्टीवेट करना है, उन्हें बकअप करना है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ताकि वो उस पॉजिटिव पॉइंट को और एनहेंस कर सकें। लेकिन जहाँ नेगेटिव पॉइंट आती है, यू हैव टू सिंपथाइज विद देम, यू हैव टू लव देम, यू हैव टू नर्चर देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, और तभी आप ट्विन फ्लेम्स ज्वाइन होके एक उसका बड़ा प्रारूप तैयार कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम आप जो कहते हैं कि उसके बेस्ट परफॉर्मेंस पे लेकर के जा सकते हैं, और ट्विन फ्लेम्स का सही मायने में फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको एक सही मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। एंड दिस ट्विन फ्लेम कैन बी एनीबडी, दिस इज़ फॉर योर रिमाइंडर, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी योर लवर, इट कैन बी योर स्पाउस, और इट कैन बी योर सिबलिंग और योर चिल्ड्रन, जो भी है उसको अपने साथ। अगर आपको ट्विन फ्लेम किसी भी उम्र में, किसी भी जिंदगी के पड़ाव में मिलता है, तो उसे छोड़िए मत, उसको अपने साथ लगा के रखिए, क्योंकि उस ट्विन फ्लेम के आने के बाद से आप अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जो अकेले ले जाना शायद पॉसिबल ना हो। तो दिस वॉज माई वीडियो फॉर ट्विन फ्लेम, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।